हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शीना. तो हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज तब कंप्लीट किया था और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस रिस्क के टॉपिक से. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिजनेस रिस्क होता क्या है. रिस्क नाम तो आप सबने बेसिकली सुना ही होगा कि रिस्क होता क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्क की अगर मीनिंग के बारे में बात करें तो रिस्क क्या है. लॉसेस की पॉसिबिलिटी को हम रिस्क कहते हैं जो कि किसी भी अनसर्टेनिटी के कारण ही अराइज होते हैं. अब अनसर्टेनिटी क्या है, सवाल यहाँ पे पैदा होता है. तो अनसर्टेनिटी क्या है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में ये नॉलेज नहीं है कि अब हमारे नियर फ्यूचर में क्या होने लगा है. तो दैट लैक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी. ठीक है, अब जिस तरह अब रिस्क जो है ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, और अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये हमारे बिजनेस का भी एक एसेंशियल पार्ट है. ठीक है, जिसे कि हम अवॉइड नहीं कर सकते. अब एग्जांपल देखिए, तो जैसे एक प्रोडक्ट में रिस्क क्या हो सकता है कि उसकी डिमांड डिक्लाइन हो सकती है क्योंकि कस्टमर्स के टेस्ट या प्रेफरेंसेस में चेंज हो सकते हैं या फिर कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाने से. ठीक है, तो कोई भी रीजन्स हो सकते हैं हमारे बिजनेस रिस्क के. अब जो बिजनेस रिस्क है वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क. स्पेकुलेटिव रिस्क कौन से होते हैं, जिनमें लॉस या फिर गेन की पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, अब इसके एग्जांपल या फिर इसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि मार्केट कंडीशंस में चेंज आने से, फ्लक्चुएट कर जाने से डिमांड या सप्लाई, इन दोनों में से कोई भी फैक्टर अगर फ्लक्चुएट कर जाए तो वो भी एक रीज़न हो सकता है स्पेकुलेटिव रिस्क का. थर्ड है प्राइस में चेंज. प्राइस में चेंज कब होगा, जब कंपटीशन इंक्रीज होगा. ठीक है, और जब क्योंकि जब कंपटीशन डिक्रीज होगा तब तो हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हम प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं. इसके एग्जांपल फ्रूट मार्केट. नेक्स्ट, अगर लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आ जाए तो. ठीक है, तो इसकी एक स्पेकुलेटिव रिस्क के एग्जांपल जो मैंने आपको ऊपर बताई कि कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो सकती है लोगों की प्रेफरेंसेस या फिर टेस्ट चेंज होने से या फिर कंपटीशन के इंक्रीज होने से. अब अगर डिमांड डिक्रीज हुई, ठीक है, अब इसके एग्जांपल को भी हम एनालाइज करेंगे. अगर डिमांड डिक्रीज हुई तो मतलब हमें क्या है, क्या होगा, हमें लॉस होगा. ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, सडनली लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस प्रोडक्ट के फेवर में हो जाए और डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, हमें गेन. ठीक है, तो इसलिए इस केस को हम स्पेकुलेटिव रिस्क के अंडर रखते हैं. बात करते हैं प्योर रिस्क के बारे में. तो प्योर रिस्क में वो सारे रिस्क आ जाते हैं जिनमें की पॉसिबिलिटी होती है या तो हमें लॉस होगा या फिर हमें लॉस नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल फायर या फिर थेफ्ट. अब फायर या फिर थेफ्ट में क्या है कि चोरी चकारी या फिर आग लग जाना या स्ट्राइक हो जाना, इन सब के कारण हमें लॉस तो होता है. अगर मैं कहूँगी आज मेरी शॉप में बहुत सारे गुड्स पड़े हैं और कल जब मैंने सुबह शॉप खोलूँगी मैं और मेरे गुड्स को आग नहीं लगी है, तो इसका मतलब कि मुझे लॉस तो नहीं हुआ. नो लॉस, ठीक है, मुझे लॉस तो नहीं हुआ लेकिन मुझे गेन भी तो नहीं हुआ ना. गेन तो मैं तभी कहूँगी अगर मुझे कॉस्ट से ऊपर मैंने उस प्रोडक्ट की सेल करी हो. तो मुझे लॉस तो नहीं हुआ उसको अगर आग नहीं लगी तो मुझे, लेकिन मुझे गेन भी तो नहीं हुआ ना. तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क. अब हम इसके नेचर के बारे में बात करें तो ये इसका पहला रीज़न है कि अनसर्टेनिटीज के कारण होते हैं. अनसर्टेनिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लैक ऑफ नॉलेज को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं और हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या होने लगा है. अब ये जो अनसर्टेनिटीज हैं ये ह्यूमन भी हो सकती हैं, बिजनेस के कारण भी हो सकती हैं और नेचुरल अनसर्टेनिटीज भी हो सकती हैं. ह्यूमन अनसर्टेनिटीज जैसे कि स्ट्राइक, थेफ्ट, ठीक है, बिजनेस अनसर्टेनिटीज जो भी हमारी मार्केट कंडीशंस या डिमांड और सप्लाई में चेंज आ जाने से, प्राइसेस में चेंज आने से, लोगों की टेस्ट प्रेफरेंसेस या फैशन में चेंज आने से, दैट ऑल आर पार्ट ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटीज. और नेचुरल अनसर्टेनिटीज में जो नेचुरली होती है जैसे कि अर्थक्वेक या स्नोफॉल वगैरह, इन सब के कारण जो हमारे बिजनेस को रिस्क होते हैं, दैट ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेचुरल अनसर्टेनिटीज. नेक्स्ट essential feature of the business risk is essential part of the business. कि risk
अब हमारी लाइफ को भी तो है, हमारी लाइफ को कैसे रिस्क है? अब अगर हम आज पैदा हुए हैं, हम किसी भी टाइम मर सकते हैं, हमें ये रिस्क है। ऊपर जो छत है वो किसी भी टाइम गिर सकती है, हमारी बिल्डिंग हम हमारे कहीं किसी भी टाइम गिर सकती है। तो रिस्क तो हर चीज़ को होता है, लेकिन इसी तरह बिजनेस को भी रिस्क होता है। ठीक है, तो बिजनेस को जैसे हम अपनी लाइफ से रिस्क को कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट हम रिस्क के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह हम बिजनेस में जो रिस्क है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके इफ़ेक्ट को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के तो होता नहीं है। और ये भी हमें पता है कि हमारे बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज़्यादा हमें उतने ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो बिजनेस में रिस्क जो है ये एसेंशियल पार्ट है, जिसे हम मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं, कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जितना ज़्यादा बिजनेस है, जितना बड़ा बिजनेस है उतना बड़ा रिस्क होता है, जितना कम बिजनेस है, जितना छोटे लेवल पे बिजनेस है उतना ही हमारे पास कम रिस्क होता है। तो यानी कि रिस्क का जो डिग्री है वो हमारे बिजनेस के साइज़ के साथ साथ वेरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर हम कहें कि कल को हमारा बिजनेस ना चला या लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए तो, या फिर मार्केट कंडीशंस चेंज हो गए, तो हमारे बिजनेस में हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी के जगह हम पॉजिटिविटी भी तो रख सकते हैं, और वो पॉजिटिविटी हमें कहाँ से आती है कि कल को हमें लॉस की जगह प्रॉफिट भी तो हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है ये ही हमें एक होप देता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉफिट जो है ये एक रिवॉर्ड है हमारे रिस्क टेकिंग के लिए। ठीक है, अब एक ओल्ड एज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे तो हमें कोई भी गेन नहीं होगा। जैसे एक हम लोग जो हैं, अगर हम पैदा होते या थोड़े बड़े होके जब हमें पता लगता है कि ये हमारे रिस्क है, साथ ही हम अपने आप को हमें बताइए कि कल को तो मरना ही है, तो अभी मर जाएं, सुसाइड कर लें या कुछ भी, तो हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमने अगर रिस्क नहीं लिया तो हम कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम रिस्क लेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट्स होंगे, अगर आप इसे लाइफ के साथ भी कंपेयर करो प्रैक्टिकली। खैर, लाइफ तो बहुत दूर की बात है, अभी हम बिजनेस के बारे में बात करें। तो इसी तरह बिजनेस में भी होता है कि अगर हम रिस्क लेंगे तभी हमें गेन होगा, रिस्क नहीं लेंगे तो कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं मिलने वाली है। अब इसके कारण भी कौन कौन से हैं, नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं रिस्क के, ह्यूमन कॉजेज भी और इकोनॉमिक कॉजेज भी, जो कि हम अभी अभी अनसर्टेनिटीज़ वाले पढ़ चुके हैं। नेचुरल वाले फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल, एपिडेमिक मतलब महामारी वगैरह। ह्यूमन कॉजेज कौन से हो सकते हैं, डिसऑनेस्टी, लोग डिसऑनेस्ट हैं, स्ट्राइक, थेफ्ट। इकोनॉमिक कॉजेज जो कि मार्केट कंडीशंस में सारे चेंजेस, ठीक है, वो सारे इकोनॉमिक कॉजेज में आ जाते हैं। इसके अलावा जो अदर कॉजेज हैं उनमें कौन कौन से कॉजेज आ जाते हैं हमारे पास, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस या फिर मैकेनिकल फेलियर्स। मैकेनिकल फेलियर्स जैसे कि हमारी मशीन वगैरह जो है वो ख़राब हो गई है, या मशीन इतनी अच्छे से की प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर पा रही है जितनी आज के लेवल पे हमें चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो सकता है या फिर उसको लॉस हो सकता है। ओके, अब हमने सारी बिजनेस के बारे में बात करी कि बिजनेस क्या है, बिजनेस को कितनी एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई किया जाता है, उसके फीचर्स क्या हैं और वट एवर। लेकिन अब अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं वो हमेशा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं। हम बिना प्लानिंग के साथ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो प्लानिंग क्या है, उसमें हम कुछ बेसिक फैक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये भी 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आप बिजनेस को स्टार्ट करने के जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली अब अगर आप किसी भी बिजनेस में एंटर करने जा रहे हो तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि आप कौन सी लाइन में, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो बिजनेस की। अगर तो आप जैसे वोर गुड्स को प्रोड्यूस करके आगे सेल करना चाहते हो, कम्फर्ट गुड्स को सेल करना चाहते हो, कंज्यूमर गुड्स को सेल करना चाहते हो, लग्जरी गुड्स को सेल करना चाहते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा उसी लाइन में जाएगा जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखेंगे, जहाँ पे उसको गुड्स की ज़्यादा डिमांड दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहले वो पर्सन उसी फील्ड में जाएगा जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखेंगे। नेक्स्ट है फर्म का साइज़, वो कितना बनाना चाहते हैं, आपको ये भी
डिसाइड करना चाहिए कि आप स्मॉल लेवल पे करना चाहते हैं क्या आप लार्ज लेवल पे करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लार्ज स्केल पे करेंगे तो कब करेंगे, जब हमारा जो गुड है, गुड की डिमांड जो है वो मतलब कि कमिंग फ्यूचर में ज़्यादा है, तो हम उसे अभी से लार्ज स्केल में कर देंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि मार्केट कंडीशंस इस प्रोडक्ट के प्रति जो है फ्लक्चुएट करती रहती है, तो हम उसे स्मॉल लेवल पे करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब हमारी ओनरशिप कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम कैसी फॉर्म करना चाहते हैं, हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं, तो हर एक के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का बिजनेस खोलना चाहते हैं, उस हिसाब से ही हम अपनी ओनरशिप को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिजनेस की लोकेशन। अब सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं हो पाएगी अच्छे से, क्योंकि लोगों को महंगा लगेगा आपका प्रोडक्ट। तो आपको लोकेशन हमेशा वहाँ पे करनी है जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल की चीप अवेलेबिलिटी है, लेबर की चीप अवेलेबिलिटी है, पावर सप्लाई और बाकी सर्विसेज सब इजीली मिल जाती है। फाइनेंसिंग के बारे में बात करें तो आपकी कैपिटल जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। कैपिटल नीड्स जो है किसके लिए चाहिए, आप किसके लिए रखते हो, एक तो आप फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, और आपको डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अपनी कैपिटल चाहिए होती है। फिक्स्ड एसेट्स आपको पता ही है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट वगैरह, ठीक है। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है कि आपको फाइनेंस कहाँ से करना है, कि आपको लोन लेके करना है, शेयर्स इशू करके करना है, या वॉट एवर इज योर डिसीजन। नेक्स्ट इज फिजिकल फैसिलिटीज़। आप अपनी बिजनेस में फिजिकल फैसिलिटीज़ को किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट्स, जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज़ आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी आपके बिजनेस में। प्लांट लेआउट, अब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है आप किस प्रोडक्ट में किस लाइन में जा रहे हो, तो आप एक अपने प्लांट का लेआउट बनाएंगे कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस का सेटअप करेंगे, ठीक है। तो आप एक एक प्लान बनाएंगे जिसके ऊपर आप सारी फिजिकल फैसिलिटीज़, मशीन यहाँ भी आएंगी, ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ये चीज़ यहाँ पे आएगी, तो आप सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ को शो करेंगे कि आपने कैसे करना है। नेक्स्ट इज कौन, जो भी आप वर्कफोर्स रखोगे, लेबर फोर्स रखोगे, वर्कफोर्स रखोगे, अपने एम्प्लॉयज़ रखोगे, वो सब कुछ आपको बिल्कुल कॉम्पिटेंट चाहिए होते हैं, ताकि आप अपने जो टारगेट्स हैं उसको कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग। आजकल टैक्स आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो इसलिए आपको टैक्स लाइबिलिटीज़ को भी कंसिडर करना होगा कि इस चीज़ के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना टैक्स है, और उसका आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कि अब आपने सारे डिसीजंस ले लिया, अब आप अपनी एंटरप्राइज को लॉन्च करोगे, यानी कि आप अपने जो आपने इतना सब कुछ तैयार किया, अपने रिसोर्सेज, अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज, सारी प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब कुछ आप स्टार्ट करोगे, अपनी सेल्स प्रमोशन आप स्टार्ट करोगे, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।